हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असय एजुकेशन। आज हम करेंगे सिक्स क्लास की संस्कृत की बुक रंजनी का सेकंड चैप्टर अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोग। ये आपकी RBSC बोर्ड की बुक है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो जो ये चैप्टर है इसमें पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग दिखाया गया है जिसके अंत में आ आता है। तो पहला शब्द है गणेशः। गणेशः माने होता है गणेश, तो गणेश जी को संस्कृत में कहते हैं गणेशः। सूर्यः मतलब सूर्य, चंद्रः चंद्रमा, वृक्षः वृक्ष या पेड़, मेघः बादल, पर्वतः पर्वत, मयूरः मोर, कपोतः कबूतर, काकः कौआ, शुकः तोता, हंसः हंस, कुकुटः मुर्गा, सिंहा शेर, गजः हाथी, भल्लुका भालू, उष्ट्रः ऊंट, अश्वः घोड़ा, वृषभः बैल, हरणः हिरण, गर्दभः गधा, मेषः भेड़, बिडालः बिल्ली, मूषकः चूहा, सर्पः सांप, मीनः मछली, मकरः मगरमच्छ, मंडुकः मेंढक, कछुपः कछुआ, शशकः खरगोश, कुकुरः कुत्ता, अध्यापिका अध्यापक, छात्रा छात्र, कृषकः किसान, चिकित्सकः चिकित्सक या डॉक्टर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, शौचिकः दर्जी, रजकः धोबी, सैनिकः सैनिक, कुंभकारः कुम्हार, क्रीडकः खिलाड़ी, विद्यालयः विद्यालय, आपणः बाजार, देवालयः देवालय या मंदिर, घटा घड़ा, चमसः चम्मच, कंसः कटोरी। फिर आगे बताया गया है कि जो रूप होते हैं वो एकवचन द्विवचन और बहुवचन में कैसे चलते हैं। तो पहला है बालकः मतलब एक बालक, बालकहु मतलब दो बालक, और बालकः माने बहुत से बालक। तो बालकः बालकहु बालकः, गजा गजहु गजः, गजः माने एक हाथी, गजहु माने दो हाथी और गजः माने बहुत से हाथी। कपोतः माने एक कबूतर, कपोतहु माने दो कबूतर और कपोतः माने बहुत से कबूतर। सैनिकः माने एक सैनिक, सैनिकहु माने दो सैनिक और सैनिकः माने बहुत से सैनिक। वृक्षः मतलब पेड़ या एक पेड़, वृक्षहु माने दो पेड़ और वृक्षः माने बहुत से पेड़। आगे बताया गया है कि जो क्रिया होती है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो पहला है बालकः पठति। यहाँ पर दो रूप चल रहे हैं, एक तो है शब्द रूप, दूसरा है धातु रूप। तो जो शब्द रूप है वो है बालकः बालकहु बालका। तो इसके साथ जो धातु रूप है वो कैसे लगेंगे, जैसे पठति पठतः पठंती, एक वचन के साथ आएगा पठति, द्विवचन के साथ पठतः और बहुवचन के साथ पठंती। तो बालकः पठति, बालक पढ़ता है, बालकहु पढ़ता, दो बालक पढ़ते हैं, बालकः पठंती बहुत से बालक पढ़ते हैं। शशकः खादति, खरगोश खाता है, शशकहु खादता, दो खरगोश खाते हैं, शशकः खादन्ति, बहुत से खरगोश खाते हैं। छात्रा क्रीडति, छात्र खेलता है, छात्रों क्रीडता, दो छात्र खेलते हैं, छात्रा क्रीडन्ति, बहुत से छात्र खेलते हैं। आगे कहा गया गजः चलती, गजहु चलता, गजः चलन्ति। तो यहाँ पर एक तरफ शब्द रूप चल रहा है, एक तरफ धातु रूप चल रहा है। तो गजः चलती ये क्या है, एक वचन है, तो हाथी चलता है या एक हाथी चलता है। गजहु चलता, दो हाथी चलते हैं, गजः चलन्ति, बहुत से हाथी चलते हैं। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है, अश्वहु धावता, दो घोड़े दौड़ते हैं, अश्वः धावन्ति, बहुत से घोड़े दौड़ते हैं, या एक आप लिख सकते हैं एक घोड़ा दौड़ता है। कृषकः गच्छति, किसान जाता है, कृषकहु गच्छता, दो किसान जाते हैं, कृषकः गच्छन्ति, बहुत से किसान जाते हैं। अध्यापिका आगच्छति, अध्यापक आता है, अध्यापिकहु आगच्छता, दो अध्यापक आते हैं, अध्यापिका आगच्छन्ति, बहुत से अध्यापक आते हैं। रजकः क्षालयति, एक धोबी धोता है, रजकहु क्षालयता, दो धोबी धोते हैं, रजकः क्षालयन्ति, बहुत से धोबी धोते हैं। तो जहाँ पर एक वचन है वहाँ पर आप एक भी लिख सकते हैं या आप कुछ भी नहीं लिखेंगे,
तभी आपका सही हो जाएगा। जैसे गजहा चलती हाथी चलता है, या आप लिख सकते हैं एक हाथी चलता है। तो जो ये चैप्टर था इसमें पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग दिखाया गया है कि जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं, कैसे लिखते हैं उनको, और यहाँ पर जो रूप हैं वो भी दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, जैसे कि बालका, बालकहु, बालका, और जो धातु रूप हैं पठती, पठता, पठंती। तो यहाँ पर जो रूप हैं उनका प्रयोग दिखाया गया है और जो शब्द रूप हैं उनका प्रयोग भी बताया गया है। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।